और अब बात उत्तराखंड बोर्ड की करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस बार करीब 2,72,000 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में शिरकत करेंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। पहला पेपर इंटरमीडिएट के छात्रों का हिंदी का है। परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रदेश में बनाए गए हैं 1,324 परीक्षा केंद्र और इनमें 225 संवेदनशील है, 27 अति संवेदनशील है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। वहीं परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई है। और संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कुछ ही समय बचा है, 10 बजे से परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं इन परीक्षाओं को लेकर? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, देखिए ये बेटियां हैं, तैयारी कर रही हैं। हिंदी का पहला पेपर है और थोड़ी देर में ये परीक्षा केंद्र में अंदर चली जाएंगी। इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, ये बताइए कितनी मेहनत लगी आप लोगों को। और थोड़ा सा एग्जाम फोबिया भी रहता है, डर तो रहती है, हालांकि आसान पेपर है हिंदी का, आज पहला पेपर है। हाँ, डर तो काफी लग रहा है, पर हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें पता है कि हम कर लेंगे जितना जैसा भी पेपर आएगा। ये तो ऐतिहासिक आपका इंटर कॉलेज है, पूर्णानंद तिवारी जो एनडी तिवारी के पिताजी हैं, तो गर्व भी होता है कि इस इंटर कॉलेज से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करके यहाँ से अब आगे निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, नारायण तिवारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हमें बहुत गर्व है कि हम उनके बनाए गए इंटर कॉलेज से हम इंटर पास करेंगे। और अगर हमारा इस सेंटर की और स्कूल में होता तो थोड़ा हिचकिचाहट होती, पर हम अपने स्कूल में पेपर दे रहे हैं तो अभी उतना डर नहीं लग रहा है। अच्छा, हम हर बार देखते हैं कि बेटियां जो छात्राएं हैं वो छात्रों पर बाजी मारती हैं, रिजल्ट उनका अच्छा होता है, इस बार भी आप बाजी मारेंगे लड़कों से? हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम लड़कों को पीछे छोड़ेंगे इस बार भी। छोड़ेंगे पीछे? जरूर छोड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा तिवारी है और मैं हमारे विद्यालय जिसके नाम पर बनाया है पूर्णानंद तिवारी, उनके गांव से, गांव की रहने वाली हूँ। और हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस विद्यालय में पढ़े हुए हैं और हमको इस बात का दुख भी है कि अब इस विद्यालय से हम चले जाएंगे और हमने इतनी मेहनत, बहुत मेहनत कॉन्फिडेंस है कि पास अच्छे नंबर से होंगे आप। हाँ, हमको अपने पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्क्स से इस विद्यालय से पास होकर जाएंगे। आपकी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने मतलब तैयारी बहुत की है पेपर देने के लिए और हमें यहाँ पे बहुत गर्व है कि हम पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में पढ़े। हिंदी सब्जेक्ट में थोड़ा डर लगता है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या और भी सब्जेक्ट होते हैं, उनमें थोड़ा सा डर, इसमें डर लगता है हिंदी में? हिंदी में उतना डर नहीं लगता है और सब्जेक्ट में, फिर इको में थोड़ी लगता है डर, पर हमने मेहनत हम कर रहे हैं अपनी। आप सभी की आर्ट्स है, आपके साइंस भी है? हमारी आर्ट्स है। आर्ट्स है तो आर्ट्स की छात्राएं हैं और शिल्पा कितनी उत्साहित हैं आप देख सकती हैं। एनडी तिवारी के पिताजी के नाम पर ये इंटर कॉलेज है और उनका बड़ा योगदान रहा इस पूरे नैनीताल, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद देश में भी हुए, तो उन्हीं के पिताजी के नाम पर इंटर कॉलेज है। करीब 100 से ज़्यादा बच्चे आज हिंदी का पेपर देने यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़ी देर में साढ़े नौ बजे जो बच्चे हैं वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे अपने अपनी कक्षाओं में और परीक्षा ठीक 10 बजे से शुरू होगी और 1 बजे फिर परीक्षा जो है आज वो खत्म हो जाएगी। तो उत्साहित हैं बेटियां, आपने खुद सुना कि वो कह रही कि इस बार भी वो बाजियां मारेंगी। उत्साहित भी हैं और ये उत्साह उनका बना भी रहना चाहिए और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। जितने भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं खूब अच्छे से एग्जाम दे और अच्छे नंबरों से पास भी हों। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।